हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफे में। और आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ क्लास 8th मैथ। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। मतलब कि दो डिजिट वाला कोई नंबर है और उनके जो डिजिट्स है वो कोई भी एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट का तीन गुना है। ठीक है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। कि अगर आप इन डिजिट्स को इंटरचेंज करते हो और उसको इंटरचेंज करने के बाद उसको अगर आप ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हो तो उन दोनों का सम जो है वो 88 आता है। तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, ये पता करना है कि ओरिजिनल नंबर है क्या। तो लेट द यूनिट प्लेस कर लो एक्स, लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स। सो टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस इसके, अगर यूनिट प्लेस हमने एक्स मान लिया किसी नंबर की जो इकाई का अंक हमने एक्स मान लिया है तो उसमें कहा गया है कि जो दूसरा अंक है वो उसका तीन गुना है, यानी वो 3x है। और क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है तो इसको टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30x। तो अभी क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 30, और जो ये नंबर क्या बनेगा 30x प्लस एक्स इक्वल टू 31x। अब आफ्टर इंटरचेंजिंग According to the question, after interchanging digits, अगर मैं digits को interchange कर दूँ, यानी हमारा जो unit place पे जो है हमारा आ जाए वो आ जाए 3x, और जो tens place पे हो आपका वो आ जाए आपका x। तो ये क्या वैल्यू बनेगी इसकी, क्योंकि ये tens place पे तो tens से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10x। तो ये आपका हो जाएगा 10x और प्लस का जो नई जो यूनिट प्लेस है वो है 3x, तो आपका हो जाता है ये 13x। तो ये आपका हो गया नया नंबर। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, यानी जो ये जो रिजल्टिंग नंबर है टू द ओरिजिनल नंबर, और इन दोनों को न्यू नंबर को और ओरिजिनल नंबर में ऐड करें 31 है ये, तो आपको क्या मिलता है 88 मिलता है। तो इक्वेशन इसकी बनेगी इस प्रकार से कि आपका होगा 13x प्लस 31x इक्वल टू आएगा 88। यहाँ हो जाएगा 44x इक्वल टू 88। एक्स वैल्यू निकालोगे आपका आएगा 88 डिवाइडेड बाय 4। 44 के टेबल से करोगे 2 टाइम पे आएगा, तो एक्स वैल्यू क्या निकली 2 निकली, बस एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब हमने यूनिट प्लेस क्या माना था, तो वो माना था हमने x, तो ये कितना आ गया हमारे पास यूनिट प्लेस में 2। और हमने टेंस प्लस क्या माना था 3x, तो 2 इंटू एक्स वैल्यू 3, और इंटू में क्योंकि टेंस प्लस है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका आ जाएगा 60। और तो नंबर क्या बनेगा, तो 60 प्लस 2 कितना हो जाता है 62, वो नंबर है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। और इसको हम करेंगे इंटरचेंज, इनके डिजिट्स को करेंगे इंटरचेंज तो क्या होगा वो 26 होगा, और दोनों का सम जो है वो 88 होगा। तो इस प्रकार से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 2.4 का। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में।